वर्ष 2007 के बाद जिलावार एसोसिएशन मुरादाबाद में चुनाव हुए थे, जिसमें अध्यक्ष स्वर्गीय प्रेम कुमार राणा व महासचिव अजय गुप्ता चुने गए थे। वर्ष 2008 से चुनाव नहीं हुए, बल्कि बार काउंसिलिंग ऑफ उत्तर प्रदेश द्वारा मॉडल बायलाज के अनुसार प्रत्येक वर्ष निर्धारित समय पर आम सहमति से कार्यकारिणी गठित होती आई है। इस बार अध्यक्ष पद अनिल पाल सिंह व महासचिव ध्रुव कुमार सक्सेना चुने गए। एल्डर कमेटी के जयवीर सिंह, ललित अरोरा, रमाशंकर टंडन, सत्य प्रकाश भटनागर, अध्यक्ष ठाकुर सोमपाल सिंह व महासचिव प्रकाश वीर सिंह व डीजीसी सिविल अजय गुप्ता ने बैठक की, जिस पर संयुक्त रूप से निर्णय लिया गया। अध्यक्ष अनिल पाल सिंह व उपाध्यक्ष रानेश भारतीय व हर्षरूप सिंह, कोषाध्यक्ष गोपाल कृष्ण, संयुक्त सचिव अजय विक्रम, सत्यपाल, नितिन अग्रवाल, सदस्य कार्यकारिणी अरुण कुमार सक्सेना, पूनम पाल, नीरज पाठक, दरबारी सिंह, अजय कुमार जैन, श्रीमती मंजू भटनागर, अशोक कुमार, अभिषेक भारद्वाज, वीरेंद्र कुमार, रवि वर्मा, देशबंधु, श्रीमती गुंजन गुप्ता निर्विरोध निर्वाचित हुए। जिला बार एसोसिएशन मुरादाबाद का आज कार्यकारिणी का निर्विरोध चयन हुआ है, जिसमें अध्यक्ष पद के लिए चौधरी अनिल पाल सिंह, महासचिव पद के लिए ध्रुव कुमार सक्सेना व बाकी कार्यकारिणी के नाम आपको लिस्ट में दे दिए गए। मैं अनिल पाल सिंह एडवोकेट, जो जिला बार की नवनिर्वाचित कार्यकारिणी 2024-25 के लिए अध्यक्ष चुना गया हूँ। मैं अपने सभी अधिवक्ता साथियों, अपनी पूरी जुडिशरी, पत्रकार बंधुओं और जो भी हमसे संबंधित रोग लगे हैं, जिन्होंने इस इलेक्शन में, हमारी एल्डर कमेटी है, क्योंकि इलेक्शन में प्रक्रिया पूरी होती है और बहुत सारे लोगों का इन्वॉल्वमेंट होता है, तो उन सभी को मैं साधुवाद यह देना चाहूँगा कि पिछले 2 हफ्ते से बहुत मशक्कत करने के बाद इस सब कार्रवाई को प्रॉपर तरीके से अंजाम दिया गया। भविष्य में मैं बार और बेंच के संबंध बढ़िया रखने की कोशिश करूँगा और अपने अधिवक्ता साथियों का हित सर्वोपरि रखूँगा। जय हिंद, जय भारत। ध्रुव कुमार सक्सेना, मैं महासचिव पद पे अपॉइंट हुआ हूँ और मैं ये विश्वास दिलाता हूँ अपने जिला बार को कि कोई ऐसा कार्य नहीं करूँगा मैं जिससे जिला बार पे कोई आँच आए।